नाज़रीन जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम, में आपकी मेज़बान तमन्ना आरज़ू। नाज़रीन, कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ का कल्चर या ट्रेडिशन है वो दुनिया भर में माना जाता है। तो आज के हवाले हम बात करेंगे ड्रम बीटिंग, क्योंकि पुराने जमाने से कश्मीर में ढोल बजाते हैं। आज उस हवाले से हम बात करेंगे, पुराने जमाने में ये ड्रम किस लिए इस्तेमाल होता था। ये ड्रम इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता था। अगर किसी गाँव में कोई बीमार होता था या कोई इंफॉर्मेशन होती थी तो वहाँ पर लोग जो है ड्रम बजाते थे और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच पाती है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो कि ड्रम बीट बजाते हैं, उनसे बात करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका जी? अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और कहां से? अब्दुल रशीद रयार से। रयार से। कब से आप ये ड्रम बजाते हैं? मुझे 8-9 साल हो गए हैं। ये लकड़ी का है। अच्छा। ये तो महंगा मिलता है, ये 20,000 में भी मिलता है, 18,000 में भी मिलता है, 15,000 में भी मिलता है। अगर किसी को शादी होती है, शादी में भी हम जा सकते हैं। इसको हर किस्म के आज कहती हैं लोग, नहीं इसको वगैरह वगैरह जो हम ताल बजाते हैं ना, इसको 36 ताल वो 36 ताल हम मारते हैं। आज लोकल लोग मार रहे हैं, मुझे मेरे जिसने मुझे सिखाया वो 36 ताल ही मार सकता था, तो मैं भी 36 मार सकता हूँ, क्योंकि आज पुराना ज़माने वो नहीं रहा है। आज नई कोशिश हो रही है, ये तेज ढोल बजा रहे हैं, उसमें हम बजाते हैं ढोल। अच्छा। अगर जो देखा जाए पुराने जमाने में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम शादी में भी ले जाते हैं। अच्छा, जो ट्राइबल्स में शादी होती है। अगर घास काटते हैं, घास काटते में भी ले जाते हैं। दो बंदे भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो मुझे गाँव वाले ने फोन किया है, बताया और वहाँ पहुँचना, तो मैं पहुंच गया। अगर जो देखा जाए पुराने जमाने में इसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल होता था, तो अगर आज देखा जाए इसका कम इस्तेमाल होता है तो लोकल लोग की कम कर रही हैं। हर जगह नहीं है, बजाते जाते नहीं, तो किसी जगह अगर किसी को शादी होती है, पहले ज़माने में अगर शादी होती थी हर कोई लगाता था ढोल, तो आज ढोल नहीं लगाते, हर किसी किसी जगह लगाते हैं ढोल। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, हर जगह हम पहुँचना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, हम कलाकार है बहुत। तो अगर जी देखा जाए कि लोगों का ये एक रोजगार बना था, आज आप किस नजर से इसको देख रहे हैं? तो क्या आपका आज ये रोजगार है कि आप? ये हमारा रोजगार है, मगर लोग नहीं मानते वो रोजगार, ये छीना जा रहा है, हमसे छीन जा रहा है हमारा रोजगार। बाल बच्चों को ऐसे ही पालते हैं हम। हाँ, तरक्की का जमाना है, आज हमारा भी रोजगार बढ़ेगा अगर हर जगह ढोल बजाएंगे हम। अगर हम बात करें कश्मीरी कल्चर की, तो ये जो ढोल बजाने का काम करता था एक कम्युनिटी करती थी, जो उनका रोजगार होता था। लेकिन जो ही ने वक्त ने तरक्की की, तो ये ढोल बजाने का जो सिलसिला है हमें कम देखने को मिला है, इसके बनाने वाले भी और इसको बजाने वाले भी। अगरचे देखा जाए जो नए जनरेशन के यूथ हैं हमारे, उन्होंने नए इक्विपमेंट्स बजाने का शौक रखा है, लेकिन जो ये ड्रम जो कश्मीर का एक कल्चर माना जाता था, लोग गांव-गांव जाते थे, ढोल बजाते थे, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती थी कि फलानी गांव में ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ पे पानी नहीं था या वहाँ पे शादी, तो लोग बहुत खुश हो जाते थे या कश्मीर का कल्चर जिंदा रहता था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये कम हमें देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, अगर हम कश्मीरियत बरकरार रखनी है तो हमें अपने ट्रेडिशन कल्चर को बरकरार रखना है और उसके साथ साथ उसका तहफ़्फ़ुज़ भी रखना है। आइए हम अहद करते हैं कि हम कश्मीरी एसेट को बचाएं। मैं बडगाम से तमन्ना आरज़ू।